स्वागत है मूव मीडिया में, आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो आपने देखी ही होगी, उतने ही खतरनाक तरीके से काम करने वाले गैंग्स बनारस, मऊ, गाजीपुर और जौनपुर में 2009 से 10 तक पूरी पॉलिटिक्स पर हावी थे। ये वो दौर था जब मुख्तार अंसारी का कारवां निकलता था तो लाइन से 19 से 20 एसयूवी गुजरती थी। सारी गाड़ियों के नंबर 786 से ख़त्म होते थे। किसी के क्या मजाल कि पूरे शहर का भारी ट्रैफिक उन्हें 2 मिनट के लिए भी रोक सके। इन इलाकों में पान चाय की दुकान पर बैठे चचा लोग बता देंगे कि मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड समेत अपने पूरे गैंग में सबसे लंबा दिखता था। आप मुख्तार अंसारी की फैमिली हिस्ट्री सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इनके दादाजी थे कांग्रेस के कवि, प्रेसिडेंट रह चुके मुख्तार अहमद अंसारी। इनके भाई अफजल 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलए रह चुके हैं और 1 बार समाजवादी पार्टी से। अंसारी का कहना है कि इनके अब्बा और दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। साथ ही चाचा और दादाजी नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के भी काफ़ी करीब थे। चाचा हामिद अंसारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी भी रह चुके थे। कुछ समय पहले तब जब मुख्तार का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया की लाइन लगी रहती थी तब मुख्तार सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाए हाजिर होता। इंटरव्यू के दौरान जेब से 2 बंदूकें निकाल के उनसे खेलना शुरू कर देता था। फिर बताता था कि उसे सिर्फ टॉप क्वालिटी की चीज़ें पसंद हैं, कपड़े, बंदूकें, सब कुछ टॉप क्वालिटी। रिवॉल्वर 957 मैग्नम और राइफल 975 मैग्नम की पसंद है। मुख्तार इंटरव्यू के लिए जल तैयार नहीं होता था क्योंकि उसे लगता है अगर वह बोलना शुरू किया तो वह सब बोल देगा, क्योंकि वो दूसरे नेताओं जैसा नहीं बल्कि जनता, खास तौर पर गरीबों का सेवक है। आगे उसका ये भी कहना था कि मीडिया अफवाह फैलाती है कि मैं जेल के अंदर शराब पीता हूँ, जबकि मैं तो चाय और सिगरेट तक नहीं पीता, पान मसाला भी नहीं खाता। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो मुख्तार की शुरुआत भी गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप की ही थी, कोयला, रेलवे, शराब का ठेका, गुंडा टैक्स, यही सब। जब पूर्वांचल में 1970 के दौर में कई सरकारी योजनाएं लाई गईं तो उनके ठेके हथियाने की होड़ में कई गैंग भी उभरने लगे। मुख्तार मखनू सिंह के गैंग से ताल्लुकात रखता था, दूसरी तरफ साहिब सिंह का गैंग था। सैदपुर में एक प्लॉट को लेकर दोनों गैंग्स की भिड़ंत हुई और यहीं से यह दुश्मनी शुरू हो गई। 2005 में मुख्तार जेल में था जब कृष्णानंद राय को उसने खुली सड़क पर मरवा दिया। AK-47 से करीब 400 गोलियां चली और कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। उन 7 लाशों पर 67 गोलियों के निशान थे। दिन दहाड़े ऐसी घटना से बीजेपी से खैमे में दहशत फैल गई, FIR दर्ज हुई, लेकिन वहां के SP ने इस मामले में कुछ भी करने से इनकार कर दिया। औरतों और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की मांग के बावजूद सरकार CBI जांच कराने से कतरा रही थी। हमारे क्या सबके चचा की हालत खराब हो गई थी। SBI ने बढ़ते दबाव के जवाब में केस को छोड़ दिया। फिर कृष्णानंद राय की पत्नी ने दोबारा FIR फाइल की और 2006 में जांच शुरू हो पाई। 2006 में ही शशिकांत राय की हत्या कर दी गई जो इस मामले में गवाह थे। शशिकांत राय ने मुख्तार और उसके साथी मुन्ना बजरंगी के गुर्गों की पहचान कर ली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया और मामला रफा दफा हो गया। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ इलाके से फरार हो गया। 2008 में वह उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समय बाद प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का हिस्सा बन गया। 2008 में मुख्तार अंसारी ने बसपा की और अब वापस रुक किया और दावा किया कि उसे अपराध के केस में फंसाया गया था। मायावती ने मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताया और जोर जोर से चुनाव प्रचार शुरू हो गया। यही वो वक्त था जब मुख्तार की रॉबिनहुड इमेज पर बसपा ने बहुत जोर दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार बनारस से खड़ा हुआ और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से हार गया। लेकिन गजब बात तो ये है कि मुख्तार ने ये पूरा चुनाव जेल के अंदर से ही संभाल लिया।
मुख्तार जब गाजीपुर की जेल में था तभी एक दिन पुलिस रेड में पता चला कि उसकी जिंदगी बाहर से भी ज्यादा आलीशान और आरामदायक चल रही है। अंदर फ्रिज, टीवी से लेकर खाना बनाने के बर्तन तक मौजूद थे। तब उसे मथुरा के जेल में भेज दिया गया। 2010 में बसपा ने मुख्तार के आपराधिक मामलों को स्वीकारते हुए उसे पार्टी से निकाल दिया। अब मुख्तार ने अपने भाइयों के साथ नई पार्टी बनाई, कौमी एकता दल, जिसे वे 2012 में मऊ चुनाव जीत गया। 2014 में मुख्तार ने ऐलान किया कि वह बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, लेकिन बाद में उसने ये कहकर आवेदन वापस ले लिया कि इससे वोट सांप्रदायिकता के आधार पर बट जाएंगे। 2016 में जब मुख्तार अंसारी को सपा में शामिल करने की बात आई तो उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मंत्री बलराम यादव को मंत्रिमंडल से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। किसी तरह से मुलायम सिंह से यह कहकर सुनकर बलराम यादव तो वापस आ गए, लेकिन मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल न करने की बात पर अखिलेश यादव अड़े ही रहे। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का मायावती की पार्टी BSP में विलय कर दिया। फिलहाल मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों जेल में हैं और बाहर पूर्वांचल इलाके में थोड़ी शांति है। हालांकि चचा लोग की लोक कथाओं के अनुसार दोनों जेल में अपनी मर्जी से टिके हैं। 2008 से 2009 के करीब दुश्मनी अपनी चरम सीमा पर थी, इसीलिए जेल सुरक्षित जगह बन गई। गैंगस्टर की कहानी बड़े चटकारे लेकर सुनाने वाले लोग एक्सपर्ट सा चेहरा बनाकर बताते तो यही थी कि उस दौरान अगर कहीं कोई एक बाहर आ जाता तो दूसरा उसे पक्का ठुकवा देता। मार्च 2016 में ब्रजेश सिंह रिकॉर्ड वोटों से जीतकर यूपी में MLC हो गया। उधर मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल का BSP में विलय कर विधायक बन गए। भले ही मुख्तार फिलहाल अस्पताल में हो, लेकिन उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि SGPGI जैसे अस्पताल में तीमारदारों की कुर्सियों पर मुख्तार अंसारी का कब्जा बताया जा रहा है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।